तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में और बात करेंगे हम लोग यूपीएसआई के एग्ज़ाम डेट पे, ठीक है। और जबकि कल एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें कई तरह के कमेंट आए, कुछ पॉजिटिव भी, कुछ निगेटिव भी, और कुछ तो माशा ही अल्लाह थे, ठीक है। ऐसे होने भी चाहिए, ऐसे नहीं होंगे तो फिर मज़ा कैसे रहेगा, ठीक है। तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम, इसमें एक प्रश्न ये है कि क्या यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। दूसरा प्रश्न यह है क्या अभी भी एग्ज़ाम और टलेगा। अच्छा, मैं अपनी बात थोड़ा सा कर लेता हूँ भाई, कि मैंने बोला था जो एग्ज़ाम है वो 20 अक्टूबर के आसपास होने के चांसेस है, ठीक है। मतलब चांसेस का अब जो बात मैंने बोली थी उस हिसाब से तो एकदम सही थी, ठीक है। पर जाहिर सी बात है, शासन में थोड़ा सा लेट होने के कारण अभी देखो संभावनाएं पूरी बनी हुई है। अभी जब तक 5 तारीख पूरी बीत नहीं जाती, ठीक है, क्योंकि ये यूपीपीआर भी है, 15 दिन में आपसे यदि बोलेगी एग्ज़ाम लेना है तो आप मना नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपका दिल ही नहीं कहेगा कि आप मना कर दो भैया हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यदि वो 5 तारीख को भी नोटिस डाल देता है तब भी आपकी बैंड बजने वाली है, तो आप ये मान के तो बिल्कुल ना चले कि अब मतलब आपका एग्ज़ाम बहुत टलेगा, ठीक है। और ये भी ना मान के चले कि आपका एग्ज़ाम 20 तारीख को नहीं हो सकता। मैंने बोला था 5 तारीख की शाम के बाद ही कहानी होगी। अच्छा, अब बहुत स्टूडेंट ये कह रहता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये है वो है, दुनिया है दारी है, ठीक है भैया, ऐसा होता है, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि हमारा दायरा कम है, तो सबका दायरा कम नहीं होता बेटा, सबका दायरा अपने अपने लेवल पे होता है। अब मैं 20 तारीख को क्यों बोल रहा था कि आप मेरी बात ना माने, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, सबको पता है कि 20 तारीख के नाम पर सेंटर बुक हो गए थे, ठीक। और अभी भी आप पूछेंगे, यदि आपके पास सोर्स है तो कृपया करके आप पूछें, नहीं तो आप कई चैनल को फॉलो करेंगे तो उन्होंने ये बात आइडेंटिफाई की कि हाँ 20 तारीख को यूपीएसआई के लिए सेंटर बुक है, ठीक है। अब उसमें प्रशासन देर कर सकता है थोड़ा सा। अब सेंटर बुक हो गए 20 तारीख के लिए, और यदि सेंटर का वेरिफिकेशन टाइम से नहीं हुआ तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ठीक है। सेंटर का यदि वेरिफिकेशन टाइम से नहीं हुआ तो इसमें किसी की गलती नहीं मेरे भाई। पर जो बात मैंने बोली, या फिर और बहुत से लोगों ने बोली, मैंने नहीं बोली, बहुत लोगों ने बोली कि भाई साहब 20 तारीख के डेट पे बहुत सारे टीसीएस के सेंटर बुक हो चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे हो चुके। इस बेस पे बोला जा रहा था 20 तारीख को पेपर होगा। और आपको पता है, अब जैसे ये लेटर यहाँ पहुँचा ना, वैसे ही ये लेटर सेंटर में भी पहुँचे हैं, ठीक है। वैसे ही ये लेटर क्या है सेंटर में, क्योंकि यही लेटर ले जा करके वो क्या बोलते हैं परमिशन लेंगे, वो चेकआउट करेंगे, सब कुछ है लिखित प्रमाण पत्र लेकर, भैया ये शासन की तरफ से आया है और आप इसको मतलब वेरीफाई करवाइए, पूरा जांचे बाँचेंगे इसी लेटर के आधार पर। तो एक लेटर सेंटर को भी पहुँचता है, तो ये मत सोचे कि सेंटर को लेटर पहुँचा नहीं है, सेंटर अलॉट हो चुके हैं यूपीएसआई के, ठीक है। बस उनको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके अब शायद लिस्ट भी उनके पास पहुँच चुकी होगी वेरीफाई हो करके। तो आप ये मत सोचे कि ये एग्ज़ाम आपका बहुत लंबा खींच रहा है, कि ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर में जा रहा है, ठीक है। यदि आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, मैं देखो मैं सीरियस स्टूडेंट से, ठीक है, जो योग्य हैं, जो सीरियस हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, मैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ कि आप अपनी सोच को उस लेवल पर ले जाएं कि नहीं एग्ज़ाम दिसंबर में जा रहा है, ठीक है। एक सीरियस स्टूडेंट हर दिन अपने आप को एक जंग में झोंकता है, ठीक है, उसे पता है कि हर दिन उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि ये सब फालतू की बहस में वो फंसेगा तो उसका समय बर्बाद होगा, ठीक है। उसी बात को मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ध्यान से सुनिए कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला। एग्ज़ाम यदि अक्टूबर 20 को नहीं होगा, अभी तो चांसेस पूरे हैं, ठीक है, अभी चांसेस पूरे हैं कि एग्ज़ाम 20 अक्टूबर को हो जाएगा। पर यदि नहीं होता है तो फिर मैं यही बात दोहरा रहा हूँ कि बहुत मैक्सिमम 10 दिन डिले होगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है, डिले नहीं होगा। बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि 20 अक्टूबर, ऐसे तो बहुत सारी वायरल पिक्स हुआ करती हैं। तो भैया मैं आपको बता दूं, ये शासन की तरफ ही, ये कोई वायरल पिक नहीं है, ठीक है, ये ओरिजिनल है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यदि आपके संपर्क में कोई थाना है, ठीक है, कोई कॉन्स्टेबल आपके संपर्क में, तो आप उससे वेरीफाई कर लीजिए, ओके। क्योंकि ये जो लिस्ट है वो कई जगह आ चुके हैं, अब हमारे मित्र भी हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं, तो पता चलता रहता है भैया यहाँ यहाँ ये लिस्ट आ चुकी है, ओके। तो आप इस भ्रम में ना रहें कि एग्ज़ाम डिले होगा, और फिर बोल रहे हैं कि आज कई बच्चों के आए कि सर हम ट्यूटर कैंपेन करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर,
ठीक है, आप समझिए इस बात को, ट्यूटर कैंपेन आप कर लीजिए। यूपीएससी का बच्चा ही कितना है, मानते हैं 12 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे, मगर आप खुद दिल से जानते हैं सीरियस स्टूडेंट बहुत कम है। ठीक है, 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट सीरियस है, वो भी सारे जो सीरियस स्टूडेंट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं भी नहीं। बहुत को तो ऐसे मैं जानता हूँ जिनका ट्विटर अकाउंट भी नहीं है, ठीक है, वो केवल यूट्यूब ही चलाते हैं, फेसबुक भी नहीं चलाते, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मैंने उनसे पूछा भी कई बार, यार तुम लोग सोशल मीडिया में रहे तो सर क्या करें, इतना डिस्ट्रैक्शन है इसलिए हम लोग दूर रहते हैं। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आप यदि YouTube ही आप खोल के यदि देखेंगे तो आपका मन विचलित होने लगेगा कि कोई बता रहा कल से पेपर है, कोई बता रहा इस दिन से एडमिट कार्ड आएंगे, सब अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे अपने स्तर पे, अपनी बुद्धि के विवेक के आधार पे। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा था भाई साहब 20 तारीख का, मैं ही नहीं बोल रहा था, कई लोग बोल रहे थे, सबको पता था भाई, जिसने जो टीचर्स से थोड़ा कनेक्टेड है, जिनसे अब जाहिर सी बात है एक सर्कल बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग पता चला था 20 तारीख को सेंटर बुक थे। तो इस बेस पे तो एकदम 110% है कि भैया यदि आपको पता है एक शादी इस दिन होनी तो भैया उसी दिन तो बारात में आप जाओगे, है नहीं? तो हमें तो पता चल गया था भाई साहब जो डेस्टिनेशन वेडिंग वेडिंग डेस्टिनेशन जो है भैया वो यहाँ पर है, इस दिन होना है। अब उसमें यदि वो फेर बदल कर रहे हैं तो बात अलग है, नहीं तो ज़्यादा फेर बदल नहीं करेंगे, परेशान ना होइए, आप बस सीरियस तरीके से पढ़ते रहें। हाँ मैं जानता हूँ जो सीरियस स्टूडेंट है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा और क्लियरिटी देगा, दिमाग में क्लियरिटी देगा, क्योंकि आप जानते हैं आज तारीख है 4, ठीक है, तो यदि थोड़ा बहुत भी बढ़ेगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ये मान के मैक्सिमम आपके पास 30 ही दिन है, मैक्सिमम 30 दिन, इससे ज़्यादा आपके पास होंगे नहीं, मैक्सिमम 30 दिन आप मान के चलिए, और आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा। ये एग्ज़ाम टलेगा नहीं, परेशान ना हो, ये एग्ज़ाम भर्ती क्या बोलते हैं, ये जो कहते हैं ना कि ये चुनावी भर्ती नहीं बनेगी, परेशान ना हो, क्योंकि सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव है। टीचर भर्ती का भी एग्ज़ाम होने वाला है हाल ही में, अभी जल्दी ही होगा, ठीक है, तो सरकार के ऊपर दबाव है, इसलिए आप इस दबाव का फ़ायदा उठाएं। यदि आप चूके, देखो हर बार ऐसा ही होता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस भ्रम में आ जाते हैं एग्ज़ाम होगा नहीं, एग्ज़ाम होगा नहीं, और एग्ज़ाम अचानक आ जाता है और फिर बच्चे एकदम पस्त हो जाते हैं, अरे यार अब क्या करें, अब तो कुछ रहा ही नहीं मेरे हाथ में। इसलिए आप पहले से ही अपनी तैयारी को बिल्कुल ढीला ना करें, जिस रफ्तार से आप पकड़े चल रहे बस उसी को चलते रहें। दिसंबर दिसंबर आप भूल जाइए, और मैं तो कहूँगा कि आप ऐसे इंसान कर चलिए जो आप ये समझ लिए कि आपको कोहरे में, आप कोहरे में चल रहे हैं, ठीक है। कोहरे में चलने का मतलब पता है ना, कि आप जब 4 मीटर चलेंगे तभी आगे का रास्ता आपको दिखाई पड़ेगा। तो आप अभी मान लिए आप ऐसे ही एरिया में चल रहे हैं कि आगे का आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो आप 4 मीटर चलेंगे तो फिर एक आगे रास्ता दिखेगा, फिर 4 मीटर चलेंगे फिर एक आगे रास्ता दिखेगा, ठीक है। आप सोचो 2 महीने का इकट्ठा आपको प्लान पता चल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जाहिर सी बात है यूपीएससी एक बड़ी पोस्ट है और सम्माननीय पोस्ट है, और उस रुतबे को बनाने के लिए आपके पास संयम और धीरज होना चाहिए। तो आपके पास यदि धीरज और संयम है और विश्वास है आपको खुद पे, तो आप यहाँ पर भी दिखाइए, और अपने आप को पेशेंस में रख करके पढ़ाई के एक शेड्यूल जोन में, एक जोन में आप अपने आप को रखें। बहुत सारे वाद विवादों से आप दूर रहें कि इस दिन होगा उस दिन होगा ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा पेपर आएगा टफ पेपर आएगा सरल पेपर आएगा, कोई मतलब नहीं है। बाकी सीधा पैटर्न जो है भैया उस पैटर्न को आप फॉलो करिए, और जिस बच्चे ने अभी बैक ईयर नहीं लगाया है मैं कहूँगा, मैंने रिकमेंड करूँगा उसे कि आप बैक ईयर के सारे क्वेश्चन रट्टा मार के जाएँ, बहुत ज़्यादा होगा तो उसी बेस पे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हैं। आप चाहे किरण पब्लिकेशन लगा लीजिए, चाहे राकेश यादव की बुक लगा लीजिए, चाहे किसी भी बुक लगा लीजिए, आपको उस लेवल का क्वेश्चन उन बुकों में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैं सत्य एकदम बोल रहा हूँ, और ये मैंने एनालाइज़ किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बैक ईयर के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आप उनको जाइए लगाइए, उन पर प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग की बुक की प्रैक्टिस करिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करिए बैक ईयर पे, और फिर इसके बाद एडिशनल आपको लगे कि हाँ भाई इससे भी काम नहीं बनेगा तो थोड़ा बहुत और आप लगा सकते हैं। पर मेरा विश्वास है यदि आप उसको अच्छे से लगा लेंगे, और कई बुकें आपने लगाई रखी होंगी, कौन से आपके क्लियर होंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बाकी आप हिंदी पे भी फोकस करें, GS पे भी फोकस करें, करंट अफेयर अच्छे से कवर करें, और बस यही कहूँगा कि लगे रहें, हिम्मत ना हारें कि डेट अभी नहीं क्लियर हुई है, नोटिस क्लियर नहीं आया, तो आप हिम्मत ना हारें और सब अच्छा होगा, ठीक है। बस मेहनत से तैयारी करें, अपनी ईमानदारी से करें, क्योंकि एक ही साल एक ही बार ये मौका मिलेगा, फिर इसके बाद मौका मिलेगा नहीं। तो यदि आप इस मौके को वाद विवाद में बर्बाद करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बर्बाद कर सकते हैं, ये दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा। पर यदि आप इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने अपने माँ बाप के बारे में एक बार सोच लेना,
है नहीं, और जिन्होंने तुम्हें बहुत शिद्दत से इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया है उनके सपने को थोड़ा सा याद रखना, और इन सब फालतू की बातों से बच के रहना का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, भर्ती नहीं होगी, भर्ती 2025 में होगी, ये सब चीज़ों से भाई बचें। मैं मानता हूँ कि आप एक मेच्योर पर्सन हैं और आप ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। इस वीडियो पे इतना ही, वीडियो पसंद आए तो शेयर आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ही का चैनल है, आपने इसे ठीक ठाक बनाया है, आप ही आगे बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।